ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टली के इस अध्याय में हम अकाउंटिंग की जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे वो हैं रहतिया यानी स्टॉक, लेनदार यानी क्रेडिटर, देनदार यानी डेटर, दायित्व यानी लायबिलिटीज, संपत्ति यानी असेट्स और व्यय यानी एक्सपेंसेस। रहतिया यानी स्टॉक। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वह स्टॉक कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले साल के पहले दिन वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। लेनदार यानी क्रेडिटर। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है, ऋणदाता या लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाती है। संक्षेप में उधार माल बेचने वाला क्रेडिटर कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में ऋणी से धनराशि प्राप्त होना होती है। उदाहरण के लिए, पारस ने राहुल को 10,000 रुपये का माल उधार बेचा। यहाँ पारस क्रेडिटर कहलाएगा। देनदार यानी डेटर। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल सेवाएं या रुपया उधार लेती है, ऋणी या देनदार यानी डेटर कहलाती है। संक्षेप में उधार माल खरीदने वाला ऋणी या डेटर कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में एक निश्चित दिन या निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। उदाहरण के लिए, राज ने अनिल को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा। यहाँ अनिल ऋणी यानी डेटर कहलाएगा। दायित्व यानी लायबिलिटीज। वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों के प्रति चुकाने होते हैं, दायित्व या लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये लायबिलिटीज दो प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी दायित्व यानी लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज हैं जो एक साल से ज़्यादा समय के बाद या व्यापार समाप्ति पर चुकानी होती हैं। उदाहरण के लिए, आपने अपनी दुकान के लिए 2 साल के उधार पर फर्नीचर लिया, यानी आपको 2 साल के अंदर वो पैसा चुकाना है, तो ये हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दूसरा है चालू दायित्व यानी शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज हैं जो एक साल या एक साल से कम समय में पे करना होती हैं या चुकाना होती हैं। उदाहरण के लिए, आपको अपने क्रेडिटर्स को 1 साल के अंदर अंदर कोई पैसा चुकाना है, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। संपत्ति यानी असेट्स। व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं, संपत्ति यानी असेट्स कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली है अचल या स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड असेट्स। वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती हैं और जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता और जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, अचल संपत्ति कहलाती हैं। ऐसी संपत्तियां व्यापार की आय बढ़ाने में बड़ी सहायता देती हैं। इसके अंतर्गत भवन, मशीनें, फर्नीचर, मोटरगाड़ी आदि आते हैं। दूसरी है चल या अस्थाई संपत्ति यानी करंट असेट्स। ये वे संपत्तियां हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे रोकड़, बैंक में जमा धन, स्टॉक, डेटर्स तथा अन्य वे सभी संपत्तियां जो आसानी व शीघ्रता से नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं। व्यय यानी एक्सपेंसेस। माल के उत्पादन और उसे बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वो व्यय यानी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है। कच्चा माल या पक्का माल खरीदने में लगने वाला भाड़ा और उसको गोदाम तक ले जाने वाला किराया भी इसमें शामिल किया जाता है। उत्पादन की दशा में कच्चे माल की खरीद से लेकर उसे विक्रय योग्य स्थिति तक लाने में जो भी खर्चे होंगे वे सब प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। गाड़ी भाड़ा, ऑक्ट्राय ड्यूटी, मजदूरी, फैक्ट्री की बिजली, ईंधन आदि अन्य उत्पादन व्यय सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधी व्यय से होता है। ऐसे एक्सपेंसेस का प्रभाव विक्रय किए जाने वाले माल की लागत पर बिल्कुल नहीं होता। ये व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले एक्सपेंसेस हैं विज्ञापन, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाने वाला वेतन, उन्हें दिया जाने वाला कमीशन, कार्यालय के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, बिजली का बिल, ग्राहकों को दी जाने वाली छूट यानी डिस्काउंट, पूंजी व ऋण पर ब्याज, बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन इत्यादि। टैली के इस अध्याय में अकाउंटिंग की जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने जाना वो थी रहतिया यानी स्टॉक, लेनदार यानी क्रेडिटर, देनदार यानी डेटर, दायित्व यानी लायबिलिटीज, संपत्ति यानी असेट्स और व्यय यानी एक्सपेंसेस।